हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फोटोनिक्स का बीम 200 प्रोजेक्टर ओपन कैसे करना है रिपेयरिंग के लिए इन डेड कंडीशन। जो हमारी डेड कंडीशन होती है उसमें मोस्टली इसमें कॉमन फॉल्ट कहाँ से आता है ये चीज़ हम आज देखेंगे इसमें। तो ये है हमारा प्रोजेक्टर बीम 200। की बैक साइड में यहाँ पर चार स्क्रूज होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये चार स्क्रूज हमें ओपन करने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसके चारों स्क्रूज ओपन कर लिए हैं। स्क्रूज ओपन करने के बाद में ये इसका फ्रंट पैनल, ये फ्रंट पैनल इसका आप हो जाएगा। ये फ्रंट पैनल हमने खोल लिया इसका। उसके बाद में इस पीसीबी के ऊपर, ये इसकी मेन पीसीबी है, कीपैड पीसीबी प्लस, सारी इसकी वर्किंग यहाँ से है। प्लस इसमें एक यहाँ पर एसएमपीएस सप्लाई होती है, ये भी अभी हम खोल कर देखेंगे। पहले इसके ये स्क्रूज हमें खोल रहे हैं, एक और ये दो, ये दो स्क्रूज हमें ओपन करने हैं। स्क्रूज ओपन करने के बाद में हमें इसके कनेक्टर्स निकालने हैं। ये फैन का कनेक्टर, ये आपका एसएमपीएस सप्लाई का कनेक्टर, एंड ये स्पीकर्स का कनेक्टर है, एंड दिस पोर्ट इज फॉर डिस्प्ले। ये हमने इसकी मेन पीसीबी बाहर निकाल दी है। इन केस कोई फॉल्ट अगर आपको वीडियो सेक्शन में मिलता है, या आपको यूएसबी सेक्शन में मिलता है, या फिर एचडीएमआई सेक्शन में, तो वो सारे फॉल्ट आपको इस मेन पीसीबी से आते हैं। या फिर अगर आपको साउंड फॉल्ट होता है तो सारे फॉल्ट्स इस पीसीबी से आते हैं। इसके अलावा इन डेड कंडीशन जो हमारी सप्लाई है, एसएमपीएस सप्लाई, वो यहाँ से फॉल्ट्स आते हैं सारे। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ अभी। इसमें इसके जो इसका पैनल है, पैनल पे स्क्रूज हैं कुछ, ये 1, 2, 3, 4 एंड दिस। यहाँ पर सारे स्क्रूज इसके हमने पैनल के ओपन कर दिए हैं। उसके बाद जेंटली सेफली हमने ये पैनल निकाल देना है। पैनल निकलने के बाद में आपको यहाँ पर ये एसएमपीएस सप्लाई दिखती है, सेफली एसएमपीएस सप्लाई को रिमूव करना है। और यहाँ पर इसके कनेक्शंस हैं, ये इनपुट है प्लस यहाँ पर आउटपुट। अभी ये डिस्चार्ज है, मैंने इसको काफ़ी देर से वर्किंग नहीं किया है, इसलिए अभी इसमें कोई भी करंट नहीं है, करंट वोल्टेज नहीं है, बिकॉज ये एसएमपीएस सप्लाई है। अगर मैं इसको पावर से एक बार माउंट कर दूंगा तो ये फुली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर है यहाँ पर, ये बड़ा कैपेसिटर फुली चार्ज होने के बाद में आपको एक अच्छा खासा झटका देता है, पूरे 240 वोल्ट का। अगर आपने इसको डिस्चार्ज किए बिना आपने इसको हाथ से पकड़ दिया, जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है, तो आपको एक अच्छा खासा झटका लगेगा। तो इससे पहले ही हमें केयरफुल रहना है। और इसके बाद में जब ये डेड कंडीशन में होता है एसएमपीएस सप्लाई, तो हमें ये पोर्ट्स चेक करने होते हैं, इनकी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी। ये यहाँ पर आपको कुछ सर्किट्स दिख रहे हैं, ये सर्किट्स की कनेक्टिविटी चेक करनी है। इन केस अगर आपको लगता है कि किसी सर्किट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको रीसोल्ड कर सकते हैं किसी कंपोनेंट की या फिर सर्किट की। उस चीज़ के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पर कनेक्टिविटी है, पूरी कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पर। इसी तरह कोई भी ट्रैक मैं यहाँ से फॉलो कर सकता हूँ। और मेन हमारा यही है, इसमें हमें कंपोनेंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी कंपोनेंट की कंटिन्यूटी नहीं मिलती है,
दैट मीन्स आपका सर्किट प्रॉपर नहीं है, SMPS सप्लाई वर्क नहीं करेगी इस कंडीशन में और आपका प्रोजेक्टर डेड ही रहेगा. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.